नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। सर नमस्ते। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा? सर मैं महोबा से जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। बताइए सर, थोड़ा सा पीरियड था इसलिए आपसे बात करनी थी। जो आपका भी आल टेट वाला आ गया न्यूज, उसमें तो आपकी बात सही हो गई है सर। थोड़ा सा परेशान ये था कि क्या मेरी जॉब लग पाएगी भविष्य में कि नहीं लग पाएगी, आपसे थोड़ा सा ये जानकारी चाहिए थी। मैं टेट 2017 पास हूँ। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ सर, 2017 टेट पास हूँ। 2017 टेट पास हूँ और मैंने 68,500 दिया, 69,000 दिया, उसमें नहीं हो पाया है। आप 2017 में टेट पास किए हैं और आप जो है प्राइमरी की टेट की बात कर रहे हैं ना? जी जी, मैं BTC 2014 बैच का हूँ। BTC 2014 बैच के हैं तो 15-16 में आपका पूरा हुआ होगा, फिर 17 में आपने टेट पास करके 68,500 में फॉर्म भरा और फिर बाद जी में जी 69,000 में। जी जी तो अभी जो है नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, UP गवर्नमेंट जुलाई से अपने यहाँ लागू करने जा रही है। जी जी ठीक है, तो जुलाई जी में जब नई शिक्षा नीति यूपी में लागू हो जाएगी, और आप देख रहे हैं एक तरफ जो है टेट लाइफ टाइम किया गया है, उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जितने भी पद खाली हैं स्कूलों में पूरे भारत में, वो सारे जी पद जो जी है केंद्र सरकार भरवाने जा रही है, और उसकी पूरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। हम ग्रुप में डाले थे, आपको मिला होगा, जी 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 उसमें आपने देखा होगा कि जो है सबसे अधिक पद जो है बिहार में है, 2,75,000, और यूपी में 2,17,000 पद हैं। जी 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 ठीक है, तो जी जी जो पद हैं 2,17,000, इसको भरने का जो इनका प्रोग्राम है, वो पुराने जो टेट पास लोग बैठे हुए हैं किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया उनका, उनके लिए जी आपको जी याद होगा कि BTC की भर्तियां जो होती थी, BTC कर जी जी लेने के बाद बस फॉर्म भरते थे और नियुक्ति मिल जाती थी पहले, जी 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 तो केंद्र सरकार उसी के आधार पर कराने जा रही है, राज्य सरकार उसी के बेस पर करेगी। और जी आपने 68,500 का फॉर्म भरा था, तो आपको याद होगा कि 68,500 में कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, याद है? जी 1,00,000 समथिंग, 1,07,000 के आसपास। 1,08,000 राउंड फिगर में। जी 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 और उसमें नियुक्ति कितने लोग पाए? लगभग सर 44,000 के आसपास। 44,000 लोगों ने पाया, तो बच गए कितने? 44 और 6, ये हो गया 26 के आसपास बचा रहे। 44 और 6, 50, और उधर 58 और ले लीजिए, तो 58 और 6 करीब करीब जो है मान के चलिए 60,000, 62,000, 64,000 जो भी राउंड फिगर में आएगा 60,000 लेते हैं। जी जी ठीक जी है, जी जी तो आपको ये भी याद होगा कि 2017 में जब 68,500 भर्ती आई थी तो जी जी उस वक्त BEd प्राथमिक में वैलिड नहीं था। जी 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 तो जितने भी BTC वाले थे, जो भी UP टेट या CTET पास थे, उन सब ने फॉर्म भरा था। जी 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 तो प्राथमिक टेट BEd वालों ने दिया था 2011 में, और वो वैलिड नहीं थे और उनका एक्सपायर भी था, इसलिए वो फॉर्म नहीं भर सकते थे। तो 2012 में यूपी में प्राइमरी का यूपी टेट देने वाला कोई नहीं था, ना BEd ना BTC वाला। 2013 में हुआ था फिर। जी 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 13 में, 14 में, 15 में, 16 में और 17 में, यानी कि 13 से लेकर 17 तक वाले जितने भी प्राथमिक टेट पास थे, जी जी ठीक है, वो सारे तो BEd भी थे उसमें। रुक जाइए, 2013 से लेकर 2017 तक जितने भी प्राइमरी के टेट पास लोग थे, वो सारे के सारे प्राइमरी में वैलिड थे और वो सारे लोग फॉर्म भरे हैं, ये मानते हैं आप? जी जी इसका मतलब है कि अगर कोई शिक्षा मित्र भी इस दौरान टेट पास किया वो भी फॉर्म भरा था, कोई BTC वाला फॉर्म वो टेट पास था तो वो भी फॉर्म भरा था, DLED वाला भी टेट पास था वो भी फॉर्म भरा था, सिर्फ BEd वाले नहीं भर पाए थे। ठीक है, जी 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 तो जी। 2013 से 2017 के दौरान जिसने भी टेट CTET पास किया उन सब ने फॉर्म भरा, और उनकी टोटल संख्या थी 1,08,000, जिसमें से 44,000 के आसपास सभी लोग जानते हैं नियुक्ति पाए हैं, तो मोटा मोटा हिसाब 60,000 लोग नियुक्ति नहीं पाए, यानी वही 60,000 लोग सिर्फ रह गए हैं 2013 से 2017 के दौरान। ठीक है, इनमें से भी कुछ लोग 69,000 में नियुक्ति पाए होंगे और कुछ लोग अन्य किसी भर्ती में नियुक्ति पाए होंगे, तो घट करके उनकी संख्या 60,000 के बजाय मानकर चलते हैं 50,000 रह गई। जी 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 ठीक है, तो 50,000 ये हो गए, और 2011 का विवादित मुद्दा जो कि कोर्ट से फैसला हुआ है, उनकी संख्या करीब करीब 1,00,000 समथिंग है। ठीक है, तो 1,00,000 के आसपास वो, 50,000 ये, 1,50,000। अब इस 1,50,000 में 10-20,000 ऊपर हो या 10-20,000 नीचे हो, जी 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 पद हैं 2,17,000,
ठीक है, जी यानी कि जी जी जितने जी पद भरने हैं गवर्नमेंट के पास, पुराने जो टेट पास कैंडिडेट हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, इसलिए जी गवर्नमेंट जी पुराने वालों को, क्योंकि ये लोग पुराने जी किसी न किसी भर्ती में आवेदक रहे हैं, ठीक जी है, और इनके साथ वाले लोग नियुक्ति पाए हैं, उस वक्त कोई सुपर टेट नहीं होता था, ठीक है, जी जी पहले जी तो इस जी वजह जी से, क्योंकि पद बहुत ज़्यादा हैं और टेट पास कैंडिडेट पीछे वाले कम हैं, तो सबको जी नियुक्ति जी देने की तैयारी है। पहले चरण में जी जी 2011 से 2017 तक सबको ले लेंगे। लोगों में कंफ्यूजन है, अच्छा अखबार में आगे आके अरे इतने टेट पास हैं, इस साल इतने इतने इतने, वो अखबार का जी जी डेटा देखते हैं, उसमें जो रहता है जी वो प्राइमरी और जूनियर सब जोड़ कर रहता है, जी जी उसमें जी ये कहीं जी नहीं लिखा होता है कि कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, उसमें सबकी जी जी संख्या होती है, जो भी टेट फॉर्म भरा, जो भी टेट जी पास जी किया, वो सारी, तो अखबार का जी डाटा जी वो अलग है। वास्तविक डाटा आपको पता जी है कि 68,500 में 1,08,000 लोगों ने फॉर्म भरा, और कोई उल्लू ही जी होगा जी जो कि 68,500 जी में फॉर्म न भरा हो टेट पास होते हुए। जी जी तो जी ऐसे उल्लुओं की संख्या गिनती में होगी, 2-4-10 होंगे, ठीक जी जी है, जी तो जी अगर उन उल्लुओं को भी जोड़ लिया जाएगा तो 2-4-10-20-50-100 ही बढ़ेगा, जी ठीक जी है। जी जी तो कुल जी मिला करके 2011 वाले 1 लाख समथिंग हैं, और जी जी 2011 के बाद 2017 तक जी 50-60 हज़ार हैं, टोटल संख्या जी 1.5 लाख से ऊपर नीचे है। पद जो जी है जी भरने जा रही है गवर्नमेंट 2,17,000 भरने जा रही है। तो 2011 जी से 2017 तक जिसने भी प्राइमरी टेट या सी टेट पास किया है, यूपी में निवासी जी है, जी वो जो जी जी है, जी जो नई शिक्षा नीति जुलाई में यूपी सरकार, योगी सरकार लागू करने जा रही है, केंद्र सरकार लागू कर चुकी है जी पिछले साल, उसके तहत नौकरी जी पा जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरी जी होने के बाद फिर आगे जो है और भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है, समय समय पर हम बताते जी रहते हैं, आगे भी बताते रहेंगे। तो फिर जी जी 2018 वालों का नंबर आएगा, ठीक है, जी और 2019, जी 20 और 21 वालों के लिए तो भर्ती आई रही 51,000, ठीक जी 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 है, ये कंफर्म है सर कि 51,000 आ रही है या 51,000 प्लस आ जाएगी जो 57,000 लोग जो चिल्ला रहे हैं। 51,000 भर्ती है, ठीक है, जी 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 वो कहीं गवर्नमेंट ने आज तक बोला नहीं है, सिर्फ पेपर जी में नहीं है बोला और जी कोर्ट में ये जी बात उठी थी तो वहां आया सुप्रीम था। कोर्ट में। हाँ, जी। तो 51,000 तो गवर्नमेंट ने वहां कोर्ट में कहा हमारे पास पद हैं, तो 51,000 की भर्ती मान के चलिए कि आएगी, ठीक है। अच्छा और सर अभी हमने जी आपको जो बताया कि जो 2011 जी से 17 तक देने जा रहे हैं नियुक्ति, जी तो 11 से 17 के दौरान जो भर्तियां आई हैं, अब उन जी जी भर्तियों में तो कोई फिर मांगेगा नहीं ना कि भैया हमारा ये भर्ती पेंडिंग है, हमारा TET में नंबर कम हो गया या हमारा नाम गलत हो गया, इस वजह से हम रुक गए। वो तो पा चुका होगा नियुक्ति सारे लोग 2011 से 2017 तक, कोई बचा तो होगा नहीं। नहीं। तो जो 68,500 के 22,000 पद रह जाएंगे, जो 12,460 जी वाले 8,000 पद रह जाएंगे, जो बहत्तर जी हजार जी आठ सौ पच्चीस जो 2011 में सुप्रीम कोर्ट में 66,000 भरवाया उसमें, तो उसके जी 6,000 पद रह जाएंगे, जो पुरानी भर्तियां उनके जो बचे पद रह जाएंगे, अब उस पर भविष्य में जी जी कोई मांग करने वाला बचेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट जी की प्लानिंग है उन सारे पदों को इन नई भर्तियों जोड़कर। में जोड़ देना। तो अब 51,000 में अच्छा ही जोड़ेगी या आगे किसी भर्ती में जोड़ेगी, ये तो भविष्य में देखने को मिलेगा, लेकिन जहां तक अनुमान है इसी 51,000 में जोड़ करके 80,000 90,000 की भर्ती बना देंगे, जी। ठीक है। तो सर ये भर्ती गवर्नमेंट कब तक, लगभग अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगी जो नई आने वाली है, जी, 51,000 वाली प्लस जो भी हाँ, है। तो वो भर्ती जो है कुछ अभी कंफर्म नहीं है, कहीं भी उसका अभी तक चर्चा नहीं है कि कोई डेट घोषित हो रही है। पेपर में जो आया था वो जी ये कहा था पेपर में कि जी जी यूपी टेट जो 2020 का होने वाला है, ठीक है, उसके बाद आएगी भर्ती, ठीक है। जी तो जी यूपी जी टेट जी 2020 का तो मान चलिए नहीं होगा, 2021 होगा, जी जी ठीक जी है। तो जी 2021 का वो भी डेट जो है गवर्नमेंट मांग रही है, 15 जून से मांग रही थी, अभी वो भी फाइनल नहीं हुआ है, 15 जून आज हो गया, तो अब आगे जब भी जी TET होगा तो उसके बाद जी वो जी भर्ती आएगी, या फिर हो सकता है TET ना कराए गवर्नमेंट बिना TET के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के भर्ती के अभी कहीं कोई विशेष चर्चा नहीं है, तो मानकर जी चलिए जी कि भर्ती जब भी आएगी 2-4 महीने बाद ही आएगी, जी जी ठीक है। तो आप जी जी 2011 से 2017 तक वाले में आप ऑलरेडी हैं, यहाँ पर आपको जी कुछ जी करना नहीं है। सर उसमें मेरिट, जैसे हमारे मान लीजिए 86 नंबर है TET में, तो इससे कोई मेरिट तो नहीं की या पूरी कोई अनमेरिट मतलब नहीं बनेगी। है, कोई मतलब नहीं है कितने TET में नंबर हैं, बस टेट पास होना चाहिए। आपकी उम्र कितनी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। एकेडमिक कैसा है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ के निवासी हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बस अच्छा वहाँ सर अच्छा होगा, क्योंकि जी जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, तो नई शिक्षा नीति में जी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, MHRD की जी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हम ग्रुप में कई बार डाल चुके हैं, ठीक है। जी उसमें जी लिखा है इंटरव्यू डेमो,
तो गवर्नमेंट इंटरव्यू डेमो ले सकती है, इसलिए निश्चिंत होकर ना बैठिए, पूरी तरह से पढ़ाई कुछ ना कुछ जी करते रहिए, और आगे चूंकि जी आप भर्ती आने वाली है उसमें भी आप अगर ट्राई करना चाह रहे हैं तो भी पढ़ाई हाँ हाँ करते हाँ हाँ रहिए, बाकी जी पीछे जी जो होना है उसके लिए मेंटली जी प्रिपेयर रहिए, हैप्पी रहिए कि जी आपके जी हाथ में 2017 वाला भी है और जी आगे जो भर्ती आ रही है वो भी आपके पास मौका है। जी जी सर ठीक जी है, सर जो भी सर चीजें इसमें हैं हम तो महीने दो गवर्नमेंट महीने की के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। जी सर, आपने जो एक काम डाउन लिखते हैं कि 89, 88, 80, हाँ, एक एक मतलब दिन ये बढ़ता मतलब जा रहा है, एक एक दिन। ठीक जी है, तो जी जी वो जी एक अभी 88 तक गया है, अभी एक तक जाएगा, एक तक जाने तक जी सारी चीजें सामने आ चुकी होंगी। जी 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 ठीक है, ग्रुप में जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए, जो जी लोग तो नहीं जुड़े सर हैं ये उनको से भी हम जानकारी गवर्नमेंट ही दीजिए। रहेंगे ना, हम लोग ही रहेंगे ना, अगर जैसे कि 3 साल के लिए हम लोग को रखा जाएगा, ऐसा कुछ तो नियम नहीं है ना। देखिए, ये जो बात करते हैं लोग कि 3 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा, ये किया जाएगा, वो लोग अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने कभी नियम वही कानून मैंने पढ़ा कहा नहीं है। जी शिक्षा, जी स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये ऑलरेडी ये प्राइवेट भी चला रहा है, गवर्नमेंट भी चला रही है। ठीक है, हेलो, सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। हाँ, कह रहे थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ऑलरेडी ये गवर्नमेंट भी चला रही है, प्राइवेट भी चला रही है, आप देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल भी जी चल रहे हैं, जी और स्वास्थ्य की बात की जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी चल जी रहे हैं। जी ठीक है, जी तो जी 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 ये सारी चीजें जो लोग कहते हैं प्राइवेट हो जाएगा प्राइवेट हो जाएगा, वो उल्लू हैं, उनको दिखता नहीं है शायद, उनके घर के बगल में ही दो चार हॉस्पिटल होंगे प्राइवेट, दो चार जी जी स्कूल होंगे प्राइवेट। ठीक है, जी ऑलरेडी जी प्राइवेट चला रही है, रही बात जी गवर्नमेंट जी स्कूलों की, तो उन्होंने कभी जी यूनिसेफ के बारे में नहीं सुना है, उन्होंने कभी वर्ल्ड बैंक के बारे में नहीं सुना है। यूनिसेफ हाँ इंटरनेशनल संस्था है, वर्ल्ड बैंक जी इंटरनेशनल जी संस्था है, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, यूनिसेफ इस पर काम कर रहा है, और जी आरटीई जी एक्ट, नई शिक्षा नीति, ये जी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को विस्तृत करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कहीं से भी जी कोई चांस नहीं है प्राइवेट होने का अभी। और जो जी 3 साल जी वाली बात है, वो अनपढ़ लोग हैं, आप जानते हैं कि जी कोई भी नौकरी लगने के बाद 2 साल 3 साल प्रोविजन पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड, जी उसके जी दौरान जो है आपके सारे चीजों पर देख रेख की जाती है, निगरानी रखी जाती है, अगर आप सही हैं तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे, नहीं हैं, जी चाहे आप केंद्र सरकार की नौकरी में हो, चाहे राज्य सरकार की नौकरी में हो, चाहे किसी राज्य में हो, अगर आप जी जी का जो भी है कार्य व्यवहार वगैरह वो अगर सही नहीं है तो आपको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। वो तो आप कोई जी नौकरी करिए, सब में होता है, 2 साल 3 साल, उसमें क्या जी करना जी है। ठीक है, जी सही जी तो चलिए छोड़िए उन लोगों की बातों को, आप अपना ध्यान दीजिए। ठीक है, नमस्ते सर। ठीक, नमस्कार।